Assalamu alaikum everyone. So you can see this very lovely, very pretty pink, purpley pink सा मेकअप है और इसकी पूरी वीडियो नेक्स्ट क्लिप में देखें. और मेरा स्टैंड जो है ना वो नहीं है, इसीलिए मैं इस तरह से वीडियो बना रही हूँ. मैंने क्लोज़अप करके ना एक हाथ से सारा मेकअप किया है. मेकअप एक ही हाथ से करते हैं बट थोड़ी तसल्ली होती है कि कैमरा एटलीस्ट स्टैंड ने होल्ड किया हुआ है. तो स्टैंड ने धोखा दे दिया इन टाइम पे, तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से किया है. बट एनीवेज क्लोज़अप में मैंने बहुत कुछ दिखाया है कि आईज़ में किस तरह से मैंने कलर्स क्रिएट किए और सारा. तो द नेक्स्ट क्लिप यू कैन सी दैट. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा. लव यू ऑल. क्या करूँ या क्या करना चाहिए. आई वॉज़ अबाउट टू स्टार्ट माई मेकअप और मेरा जो स्टैंड था ना उसका मोबाइल का वो ब्रेक हो गया. शुक्र है मोबाइल नीचे नहीं गिरा, तब मैंने पकड़ लिया, वो फ्री हो गया. और अब मैं मेकअप क्या करूँ. मैंने आई मेकअप शो करना था. अब प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं हाथ में पकड़ के करके दिखाती हूँ. क्योंकि फिर जैसे मैं इधर रख रही हूँ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ रखती हूँ, सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ, तो ये मेरे कैमरे का जो स्टैंड है ना तो अंधेरा आ रहा है. कर सकती हूँ वैसे इस तरह से मेकअप बट बहुत एंगल ख़राब आ रहा है और अंधेरा बहुत आ रहा है. तो फिर मैं हाथ में पकड़ के जितना कर सकती हूँ करती हूँ, मोबाइल को हाथ में पकड़ के. क्या करूँ, फुल मूड से थी मेकअप के, मैंने सिर्फ आई मेकअप दिखाना था. चलें स्टार्ट कर रही हूँ, इसी तरह स्टार्ट करती हूँ. एक हाथ में मोबाइल को पकड़ के और दूसरे हाथ से मेकअप करती हूँ. सो आई एम स्टार्टिंग माई आई मेकअप विद दिस जॉर्डेना मॉडर्न मैट लिपस्टिक इन द शेड मैट गॉडेस. इट्स अ वेरी ड्राई लिपस्टिक, सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लिपस्टिक एज एन आई प्राइमर. सो देखिए इसका कितना ड्राई है. अच्छा, मैं थिक थिक करके लगा रही हूँ. Now I'm going to take this dense angle brush and I'm going to buff this eye primer, like lipstick that I use as an eye primer, onto the lids. अब मैं क्लोजअप से इसका लुक दिखा रही हूँ किस तरह से आ रहा है. मुझे थोड़ा सा पिंक चाहिए था तो फिर मैंने लिपस्टिक यूज़ कर ली एज ए आई प्राइमर. So now I'm taking this palette Elements of Surprise from ColourPop. So dikhati hu kaun sa color use kar rahi hu. So I'm taking this pink, very bright pink, aur main isko mix karungi kisi bhi softer shade ke sath, like direct pink use nahi kar rahi, isko mix karungi do shades ko ek sath. So here's the pink color. Thoda sa main ye le rahi hu and I'm taking this peach also. Thoda sa camel peach color hai dono ko. Tapping off the excess and applying directly on the eyes. मुझे थोड़ा सा पिंक का चाहिए था. मैंने इसकी जो प्राइमर बेस है ना लिपस्टिक से जो लगाई उसको मैंने सेट भी नहीं किया है क्योंकि मैंने आई शेडो को ही यूज़ करना है एज ए सेटिंग. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. थोड़ा सा मुझे इसको लाइट करना है. सो आई एम टेकिंग दिस शेड, इट्स लाइट पीच कलर एंड लिटल बिट हिंट ऑफ दिस शैम्पेन शेड. और इसको इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी तो ये लाइट हो जाएगा. अच्छा, ये लाइट तो मैंने कर दिया बट मुझे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, तो मैंने ब्रश में हल्का सा पिंक और पीच दोबारा लिया है और थोड़ा सा ऊपर हायर लेके जा रहे हैं. थोड़ा सा मुझे ऊपर तक लेकर आना है. दोनों आँखों का डिफरेंस देखें तो इसमें मैंने थोड़ा सा उठाया है. इसको मैं लाइटर कलर से बब कर रही हूँ तो वो फेड हो जाएगा. सो आफ्टर ब्लेंडिंग दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. अब मुझे ब्राउ बोन को क्लीन करना है और इनर कॉर्नर को. उसके लिए मैं डेंस पॉइंटेड ब्रश ले रही हूँ और शेड बताती हूँ कौन सा. सो आई एम टेकिंग दिस शैम्पेन कलर. बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे क्लीन करने के लिए.
अब इसमें एक बहुत प्रिटी सा शेड मुझे नज़र आ रहा है पैलेट में, ड्यूक्रोम है आई थिंक ये पर्पल सा जो है, इसको मैं बहुत अच्छा सा फ्लफी ब्रश से पूरा लगाती हूँ। सो ये वाला मुझे लग रहा है ड्यूक्रोम कलर है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मुझे एंगल नहीं मिल रहा, दिखाऊँ, ये मैं अपनी आइज पे देना चाह रही हूँ। तो ये मैं फ्लफी ब्रश से, अब ये मैं बिल्कुल ड्राई फ्लफी ब्रश से अच्छा सी क्वांटिटी ले रही हूँ, देखें बहुत ज़्यादा। सो ये रहा मेरा ब्रश पे शेड और इसको पूरा मैं स्प्रेड कर दूँगी। मैंने ब्रश को बिल्कुल ड्राई रखा है, बाद में मैं देखूँगी कि मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा फिक्सिंग स्प्रे कर दूँगी इस पर। सो मैंने उसको ड्राई स्प्रेड किया है, अब इसके ऊपर मैं ये लगाऊंगी, मेकअप रिवोल्यूशन का ग्लिटर है, इसको मैं कॉन्टेक्ट लेंसेज के वाटर के साथ लगा रही हूँ। इसमें कॉन्टेक्ट लेंसेज का एक दो ड्रॉप डाले मैंने, और सेम ब्रश वो मैंने क्लीन कर लिया था, सेम ब्रश इसको मैंने टॉवल से क्लीन कर लिया था, और इसको इसमें अच्छा सा मिक्स करके कंसनट्रेटेड इसका जो है वो फिर मैं आइस पर अप्लाई करूँगी। तो ये रहा मेरा ब्रश जो ग्लिटर के साथ है, इसको मैं पूरा स्प्रेड कर दूंगी। मैं इनर कॉर्नर को भी इसी से कवर कर रही हूँ, थोड़ा सा आइस में नीचे भी लेकर आ रही हूँ। लाइनर टाइम, तो नाउ ऑनवर्ड्स मैं ऑफ कैमरा मस्कारा लगाती हूँ, और इसका एक प्लमी ब्राउन सा शेड है, उसी से टाइट लाइन भी करूँगी और लोअर लैश लाइन पे भी करके दिखाती हूँ। ये रहा प्लमी ब्राउन कलर, इसी से मैं टाइट लाइन भी कर रही हूँ और इसी से लोअर लैश लाइन भी कर रही हूँ। मुझे लोअर लैश लाइन सॉफ्ट ही रखनी है इस तरह से। So for lipstick I'm going for this very pretty color from Huda Beauty. Its name is Gossip Girl. It's one of my favorite shades. बहुत मुझे पसंद है इसका, मैंने वो निकाला हुआ स्टॉपर अभी दिखाती हूँ। ये ख़त्म हो गई है पूरी, बस ये थोड़ा स्टॉपर के बाद जो थोड़ा बहुत है ना ट्यूब में वो यूज़ कर रहे हैं। सो Huda Beauty Gossip Girl, पता नहीं मैंने रिकॉर्ड तो किया हुआ नहीं हुआ, पता नहीं। बहुत ब्यूटीफुल वार्मर पिंक की कलर है, सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माई मेकअप। वैसे एक बात है कि मैंने क्लोजअप में पकड़ा तो बहुत कुछ क्लियरली नज़र भी आ रहा है, वो डिस्टेंस से आईज मेकअप इतना अच्छा नज़र नहीं आता। तो यहाँ आप देखें शेड्स कितने प्रिटी लग रहे हैं, मैंने पर्पलिश पिंकिश कलर का स्मोक दिया है, लाइक उसी का शेडो दिया है, और मैंने सॉफ्ट करने के लिए टाइट लाइन भी प्लमी ब्राउन से किया है, ब्लैक यूज़ नहीं किया। अंडर आई में भी मैंने प्लमी ब्राउन यूज़ किया, मस्कारा मैंने ऑफ कैमरा लगाया था, और लिपस्टिक ये वही हुदा की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज मेकअप, बस जैसा भी रिकॉर्ड हुआ, आई डोंट नो स्टैंड में अरेंज करूँगी जब तक हाथ में मोबाइल लेके बना सकती हूँ तो पूरा लुक तो नहीं दिखा सकती, आई मीन शर्ट के साथ कैसा लग रहा है वहाँ रख के दिखाती हूँ। अब यहाँ मैंने स्टैंड को ना, स्टैंड तो नहीं है, किसी चीज़ पे रख के दिखा रहे हैं उसका पूरा लुक क्या आ रहा है, और वो क्लोजअप में तो मेकअप ज़्यादा अच्छा आ रहा था, इस तरह से इस तरह आ रहा है। कैसे ड्रेस दिखाऊँ, बैंगल्स दिखाऊँ और अपना ये इतना ब्यूटीफुल बो नेकलेस दिखाऊँ, मुझे बहुत पसंद है इसका ब्लू कलर। सो ये आज का मेरा लुक है, वेरी प्रिटी पिंकी, पिंक कलर मेरा बहुत फेवरेट है, हर चीज़ में पिंक कलर आ जाएगा, आप देख लें। जब भी मेकअप करती हूँ तो मैं क्रीज लाइन के लिए मोस्टली पिंक कलर ही यूज़ कर रही होती हूँ, मैं किसी दिन बेज ब्राउन में भी करके दिखाऊंगी, वो भी अच्छे लगते हैं, बट पिंक मेरा फेवरेट है। देखें बहुत प्रिटी लग रहा है।